तो भाई टोयोटा और मारुति में इतना प्यार है कि एक और कार रिबैज होकर आ चुकी है, टोयोटा ईर्टिगा। टोयोटा रूमियन, जो कि बेसिकली एक रिबैज्ड ईर्टिगा है जिसको ऑफिशियली टोयोटा ने रिवील कर दिया है। तो आज हम इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन भी ये नहीं कि इसकी ग्रिल डिफरेंट है या इसमें टोयोटा का लोगो है, नहीं भाई ये चीज तो आपको भी दिख रही होगी कि क्या डिफरेंट है, बल्कि आज हम इनका एक प्रैक्टिकल डिफरेंसेस का कंपैरिजन करेंगे जो जेन्युइनली इनको डिफरेंट बनाता है। एंड पहले ही बता दूं कि रूमियन का प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड 20,000 रुपए। तो आज हम वही देखेंगे कि 20-22,000 रुपए ज्यादा डालकर रूमियन लेनी चाहिए या फिर ईर्टिगा ही ठीक है। चलिए देखते है। चलो। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस होगा इन दोनों गाड़ियों की वारंटी में। मारुति ईर्टिगा में हमको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, वहीं अगर आप रूमियन लोगे तो आपको 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलेगी। तो ऑब्वियसली रूमियन हमको ज्यादा वारंटी पीरियड ऑफर कर रही है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर जस्टिफाइड हो जाता है 20-22,000 रुपए ज्यादा देने में। बात तो सही है। सेकंड एंड ऑल्सो काफी इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इनकी सर्विस में। अब ऑब्वियसली गाड़ी तो सेम है, लेकिन वारंटी की तरह ही एक डिफरेंस है आफ्टर सेल सर्विस एंड कस्टमर सपोर्ट का। नो डाउट मारुति की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, लेकिन मारुति के सर्विस सेंटर्स पर गाड़ी ज्यादा मिलेगी, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, जबकि टोयोटा की आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी प्रीमियम रहती है मारुति के मुकाबले। पर्सनल ओपिनियन में उनका कस्टमर सपोर्ट थोड़ा बेहतर रहता है, एंड यही रीजन है कि टोयोटा अपनी गाड़ियों को थोड़ा महंगे प्राइस पर बेच पाता है अपनी आफ्टर सेल सर्विस और हाई रीसेल वैल्यू के कारण। तो ओवरऑल बात करें तो टोयोटा के साथ हमको थोड़ी प्रीमियम कस्टमर सर्विस मिलेगी मारुति के मुकाबले। ठीक है समरिया। बात करें इनके वेरिएंट्स के डिफरेंसेस के बारे में, तो मारुति ईर्टिगा में हमको टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस, जबकि रूमियन में हमको 4 नहीं बल्कि 3 वेरिएंट्स ही मिलेंगे, S, G and V वेरिएंट। आसान भाषा में कहूँ तो रूमियन में हमको बेस मॉडल नहीं मिलता जो ईर्टिगा में LXi के नाम से आता है। एंड CNG के बारे में बात करें तो 3 वेरिएंट्स में से S मॉडल में ही हमको CNG का ऑप्शन मिलेगा, बाकी में नॉर्मल पेट्रोल इंजन। बाकी क्विकली इनके कॉस्मेटिक चेंजेस के बारे में बताऊं तो दोनों की ग्रिल डिफरेंट है, एलोए का डिजाइन डिफरेंट है, लेकिन साइज सेम है। इंटीरियर में थोड़ा कलर थीम डिफरेंट है, एंड सभी जगह सुजुकी का बदले टोयोटा का लोगो। बस उसके अलावा सब चीजें सेम है, वही 1.5 लीटर का K15C इंजन, पावर सेम है, माइलेज सेम है, कंफर्ट एंड डायमेंशन सब सेम। ये भी राजू। तो ये मोटे मोटे चेंजेस है इन दोनों गाड़ियों में। अब लास्ट में बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में, और क्या आपको रूमियन लेनी चाहिए ईर्टिगा के मुकाबले। बता। तो देखो रूमियन का प्राइस एक्सपेक्टेड 20-22,000 रुपए ज्यादा होगा ईर्टिगा से, जो कि टोयोटा की हर रिबैज कार का होता है। तो भाई अगर कोई लाखों की गाड़ी ले रहा है एंड 20-22,000 रुपए ज्यादा डालकर उसे साल की और किलोमीटर्स की वारंटी ज्यादा मिल रही है, बेटर आफ्टर सेल सर्विस मिल रही है, तो मेरे हिसाब से लेने में कोई बुराई नहीं है, वरना ईर्टिगा तो है ही। सही बात है। बस अब आपके पास एक चॉइस हो चुकी है, अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप ईर्टिगा लेना प्रीफर करोगे या फिर टोयोटा रूमियन। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, ड्राइव सेफ।